नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली में चिकनगुनिया से 10 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकनगुनिया से 10 मरीजों की मौत तथा 1000 से अधिक लोगों के इसके चपेट में आने के बाद दिल्ली सरकार से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश में डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री फत्तेन्द्र जैन से भी बातचीत की और उन्हें केंद्र से सभी सहायता का आश्वासन दिया। आईआईटी मुंबई में बंदरों का आतंक। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी बंबई के छात्र संस्थान के 550 एकड़ के परिसर में बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं। यह संस्थान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। आईआईटी बी की प्रवक्ता फाल्गुनी बनर्जी नाहा ने बताया कि कई छात्रों द्वारा बंदरों के आक्रामक बर्ताव की शिकायतें किए जाने पर हमने बीएमसी और वन अधिकारियों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि बंदर हमेशा से आईआईटी की पारिस्थितिकी का हिस्सा रहे हैं, हालांकि उनका आक्रामक व्यवहार चिंता का विषय बन गया है। अरुण जेटली ने कहा, योजनाओं में अनिश्चितकाल तक नहीं लगा सकते हैं सरकारी पैसा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकारी पैसा विभिन्न योजनाओं में अनिश्चितकाल के लिए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे दक्षता प्रभावित होती है और वृद्धि के रास्ते में अड़चन आती है। पेंशन भोगियों के लिए वेब पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर जेटली ने कहा कि जारी सरकारी पैसे का इस्तेमाल से तालमेल बैठाया जाना चाहिए, इसे राज्यों के पास निष्क्रिय पड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। बलूच कार्यकर्ताओं के एक समूह ने यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा मानवता के खिलाफ किए जा रहे अपराधों को रेखांकित करते हुए आजादी की मांग की। विरोध प्रदर्शन फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने आयोजित किया था। अमेरिका इसराइल के बीच ऐतिहासिक सैन्य सहायता समझौता। अमेरिका और इसराइल ने 38 अरब डॉलर के अमेरिकी सैन्य सहायता के पैकेज पर सहमति जताई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए किसी भी देश के साथ किया गया है अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इस सौदे में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से मंजूर रियायतें भी शामिल हैं। इस नए समझौते के अनुसार इसराइल अमेरिका से अतिरिक्त फंड नहीं लेगा और इसमें इसराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता फंड से ही खर्च करने की अनुमति दी गई है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।